अदालत में सुलझेगा आस्था का सबसे बड़ा विवाद। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष जो बनने वाले हैं राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर जाकर अभी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, एक ओर मंदिरों के चुनावी दौरे चल रहे हैं और दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि केस पर सुनवाई को टालने के लिए कपिल सिब्बल का उपयोग किया जा रहा है। हम लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने, इसलिए हम लोगों ने यही कहा है कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनने के लिए व्यवस्था प्रशस्त किया जाए, समय न बढ़ाया जाए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते हमारे वालिद साहब जो है चले गए ऊपर, 99 साल की उनकी उम्र हो गई थी, 70 साल वो मुकदमा लड़े। भाई हम तो यही चाहते हैं कि फैसला जितनी जल्दी से जल्द हो जाए, नहीं दर पीढ़ी चलता रहेगा। एक बहुत अच्छी बात शिया वक्फ बोर्ड के लिए ये हुई है कि जो शिया वक्फ बोर्ड ने कम्प्रोमाइज का फार्मूला कोर्ट में पेश किया था, कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जैसे पहले केस से भागने की कोशिश कर रहा था, वही चीज इस वक्त भी कोर्ट में चल रही है और वो चाह रहे हैं कि इसकी हियरिंग अभी ना हो, 2019 के बाद हो। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहुत पुरजोर कोशिश की गई कि मुकदमा आज शुरू ना हो, यहाँ तक कहा गया कि माननीय न्यायालय इस मुकदमे को जुलाई 2019 में सुने। आज ये साफ हो गया कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लटकाना चाहता है और उनकी पुरजोर कोशिश है कि केस का फैसला न हो। कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, जो मॉडलिटीज तय होना होती है वो हुई और अल्टीमेटली जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उसमें कहा कि कुछ चीज़ें जो कमी है पूरी कर ली जाए और उसके बाद 8 फरवरी को बहस की जाए। शिया वक्फ बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट किया था लेकिन उनका कुछ सुना नहीं किया, आइंदा जब कभी होगा देखा जाएगा। पार्टी है वो, हिंदू समाज चाहता है कि जहाँ राम जी विराजमान है, जहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि यह राम जी की जन्मभूमि है, वहाँ पे उनका विशाल मंदिर बनना चाहिए क्योंकि राम जी हमारे टेंट में है, यह हिंदू समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। आगामी पार्लियामेंट्री चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो जून 2019 के बाद हियरिंग चाहते थे, ये कपिल सिब्बल का स्पेसिफिक बयान था कोर्ट को कि जो भी सुनवाई हो जून 2019 के बाद हो। कोर्ट ने इसको बहुत स्ट्रांगली लिया कि चुनाव से बाहर में क्या माहौल होगा उससे कोर्ट का लेना देना नहीं। सियासतदानों का काम सिर्फ सियासत करना है, उनको ना मस्जिद से फिक्र है ना मंदिर से फिक्र है। कितने मंदिर ऐसे हैं जहां कोई घंटा बजाने वाला नहीं है, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां कोई अल्लाह अकबर कहने वाला नहीं। ताल ठोक के अयोध्या एडिशन में देखिए, कोर्ट से खत्म होगा रामलला का वनवास। सरी ओम स्वस्ति न इंद्रो वीरस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वारिष्ठानेमेः स्वस्ति नो बृहद्वादेदधात्। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप अयोध्या से अयोध्या एडिशन लाइव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताल ठोक के में आज हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और ये अयोध्या जिसने सबसे पहले बोला था कि वो ये चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो, उस अयोध्या से किसी ने अब तक पूछा नहीं गया था। लेकिन आज का दिन बेहद अहम था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। अब ऐसे में भले ही अगली डेट फरवरी तक के लिए टाल दी गई हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था आज। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कोर्ट से रामलला का वनवास खत्म होगा? और दूसरा ये कि आज जिस तरीके की बातें कोर्ट में रखी गई, एक तरफ समझौते का फॉर्मूला भी पेश किया गया, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की तरफ से भी कहा गया कि 2019 के बाद इसे टाल दिया जाए जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो आज हम इन्हीं सवालों पर जोरदार बहस करेंगे अयोध्या की जनता के बीच। इस वक्त पैनल में जो खास मेहमान हमारे साथ है उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आचार्य सत्येंद्र दास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि के, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ इकबाल अंसारी हैं जो कि पक्षकार हैं और इस मामले से जुड़े हुए हैं। इकबाल अंसारी, कल जब हमने खास कार्यक्रम किया था मुस्लिम बहुल इलाके में और आपको पहुंचाया था, दिखाया था कि अयोध्या के मुस्लिम क्या चाहते हैं, इकबाल अंसारी वहां पर भी मौजूद थे। बहुत बहुत स्वागत है, इकबाल अंसारी का भी स्वागत कीजिए। साथ ही साथ हमारे साथ अवधेश पांडे मौजूद है, यहाँ का एक तेज तर्रार चेहरा है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, लेकिन अवधेश पांडे भी यहाँ पर आज अपनी बात रखेंगे ताल ठोक के। बबलू खान मौजूद है,
हालांकि एक मुस्लिम नेता हैं, लेकिन कल भी हमारे साथ मौजूद थे और लगातार राम मंदिर के पक्ष की बात करते रहे हैं। कल इन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन आज खास रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा कि हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक टाटाम्बरी जो कि मशहूर कवि भी हैं, समाज सेवी भी हैं, राम मंदिर से भी जुड़े रहे हैं, इनका भी जोरदार स्वागत कीजिए। आचार्य जी, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा सवाल, आज तक बेहद उम्मीद थी, उसी उम्मीद के साथ टकटकी लगा करके 5 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा था और आज 2 बजे सुनवाई शुरू हुई, लेकिन तारीख अब फरवरी की मिल गई है। सवाल सबसे बड़ा यही कि कोर्ट से क्या खत्म हो जाएगा रामलला का बनवास? देखिए, कोर्ट की आशा है और बहुत आशा रहा कि प्रतिदिन यदि सुनवाई होगी तो यह समस्या जल्दी समाधान हो जाएगा और समाधान होने के बाद में ही सब कुछ जो रामलला का मंदिर है, जो विवाद है, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज तक जितना भी काम यहाँ से 23 दिसंबर 1949 से लेकर आज तक सब कोर्ट के आदेश से ही वहाँ होता है, पूजा अर्चना, भोग राग, रख रखाव, जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो सब कोर्ट के आदेश से। हम सब पहले हाई कोर्ट से हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है, चाहे उसका तिरपाल बदलना हो और चाहे उसके बल्ली बदलनी हो, जो कुछ करना होता है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है। आशा बहुत रही कि प्रतिदिन यदि सुनवाई होगी तो ये समस्या समाधान हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि हम जो कोर्ट के आदेश होगा उसी को मानेंगे। हम भी चाहते हैं कि कोर्ट का आदेश जब अभी तक होता आया है, हाई कोर्ट ने कह दिया जहां पर विराजमान रामलला है वही रामलला का मंदिर है, इसलिए रामलला का मंदिर वहां बने और बनेगा, ऐसी आशा है। और इन्हीं आशाओं के साथ कि जो हाई कोर्ट कहा है वही सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा, इसी आशा के अनुसार रहा, लेकिन वो फरवरी में चला गया, यह विलंब हुआ, अब कितना दिन लगेगा इसको कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इकबाल अंसारी, मैं सुबह, क्योंकि आप सुबह तमाम टीवी चैनल्स पर मौजूद थे, मैं आपकी बाइट सुन रहा था, आपने अपने पिता का जिक्र किया, अपने वालिद का जिक्र किया, आप ये कह रहे थे कि वो सारी उम्र मुकदमा लड़ते रहे, उनकी उम्र चली गई, आप भी कोर्ट के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। अगर कोर्ट के चक्कर काट के इकबाल अंसारी इतना थक चुके हैं, बोर्ड की तरफ से फिर ये क्यों कहा गया कि 2019 तक, यानी कि एक तैयारी थी ठंडे बस्ते में इस मामले को डालने की? कोई कोर्ट हमारे बस में है कि हमने कह दिया तो मान लेंगे? तो आपने तो अपना काम आपने है दिया लिख करके, अपना काम है, आपने ने क्यों नहीं दरखास्त दिया कि आज जो किसकी जो सुनवाई की जाए? आप कहे होते वहाँ की आज सुनवाई की जाए, तो आप ही कह रहे थे ना, एक बार आप कह रहे थे जा जा के थक गए, सरकार आपकी है, हुकूमत आपकी है, आप कह रहे थे मैं जा जा के थक गया, बिल्कुल थक गया हूँ, जल्द से जल्द फैसला आए। कोर्ट में जा करके आप कह रहे हैं, कोर्ट में जा करके आप कह रहे हैं कि 2019 तक इसे सुना ना जाए, तो ये तो दो बातें हो गई ना। तो सरकार में क्यों नहीं जो है, इसमें सरकार की बात ही नहीं कहा है, ये तो न्यायालय की बात है। इकबाल अंसारी क्यों नहीं कहे, उससे पहले कहे होते, ये तो न्यायालय की बात है ना इकबाल अंसारी। अब देश पांडे, पूरी दुनिया में भगवान राम को मानने वाले जितने लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, और पूरा जो देश है ये प्रतीक्षा कर रहा था आज की तिथि का। संतों की भी, पूज्य संतों की उत्कंठा है, यहाँ के आम नागरिकों की उत्कंठा है, लोग चाहते हैं कि अयोध्या के अंदर भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, और भारतीय जनता पार्टी भी संवैधानिक दायरे में रह करके प्रबल राम मंदिर निर्माण की पक्षधर है, और इसी नाते भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, यहाँ के आम नागरिक चाहते हैं, पूज्य साधु संत चाहते हैं, चाहते तो आप लोग भी हैं, लेकिन वही बात है ना कि मंदिर यही बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही तो संत समाज आप लोगों से कहता है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो जो स्थान है वो प्रभु श्री रामलला का है, और ये भी सिद्ध है कि वो एक मंदिर का के अवशेष से ऊपर मस्जिद बनाई गई है। ये सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्ध की है। ठीक है, अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, यहाँ के पूज्य साधु संत, यहाँ के आम नागरिक, यहाँ के सभी लोग चाहते हैं कि डे बाय डे हियरिंग हो और शीघ्र उसका फैसला है। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद अशोक जी और फिर मैं आम लोगों की बात यहाँ पर रखूंगा। जी बोलिए। हम कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये कह रहे थे, और ये इनको भी पता है जहां भी विवाद होती है वहां नमाज जायज नहीं है, उसके बाद ये दुकान चलाना ये लोग बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका व्यक्तिगत दुकान है। ये मुसलमानों से, लोकल मुसलमानों से जाकर के पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि राम मंदिर वहां बन जाना चाहिए। और ये कल ये बात कर रहे थे कि वो किसी की बाप की जागीर नहीं है, तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी बाप की जागीर है? वो रामलला का स्थान है और रामलला का जागीर है, और हम लोग राम के मानने वाले हैं, राम के हम वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, और किसी भी तरह से
जब तक राम मंदिर का निर्माण हम करवा नहीं लेते हैं, हम चैन से बैठेंगे नहीं। बार बार बबलू भाई हम पे, ठीक है ठीक है, इकबाल अंसारी आपको जवाब देने चाहने से पहले ये बार बार हम पे छीटा कसी कर रहे हैं, किराए के टोपी लेके चले आते हैं, आप इनको मुसलमान समझते हैं? ये बतावेगा ये मुसलमान है, ये किराए के टट्टू हैं, ये इनके पास किराए की टोपी है, ये किराए पे आते हैं, इनके पास किराए के आदमी है, हम राष्ट्र ये अपने धर्म के वफादार हैं, अखंडता की बात करते हैं, आप लोग इनकी वफा की उम्मीद करते हैं, ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान की टोपी भी सफेद नहीं है, ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान के लिए बोझ हैं, और इन्हीं किराए की टोपी पहन के आते हैं, पता लगाओ अभी कल ये इसी डिबेट से भागे हैं पीछे से, हमारे कल इसी डिबेट से भागे पीछे से मुसलमानों को, टोपड़ी नहीं करते थे अपना, तो ये दुकान चला रहे आदमी को लेके आए थे, चले आ रहे थे पीछे से भागे हैं, समय में ये अपने जी जिला पंचायत के सदस्य हैं, बबलू खान जी 50,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आम समाज के नेता हैं और जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं, इनके ऊपर ऐसा आरोप लगाना उचित नहीं है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, नहीं मुझे मुझे आम लोगों के बीच जाना, मैं पहले अशोक जी मैं माफी चाहता हूं, साबित हो जाएगा कि नेता कौन है मुसलमान कौन है, आम लोगों के बीच जाता हूं, मैं एक एक करके आऊंगा, आदमी भी नहीं है, एक एक करके सबके पास आने की कोशिश करूंगा, एक एक करके संक्षिप्त में जो आज का मौजूद जिस पर बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से खत्म होगा, और कौन अड़ंगा डाल रहा है, कौन इसे लटकाना चाहता है, उसी पर अपनी बात रखेंगे संक्षिप्त में, सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल कौन अड़ंगा डाल रहा है, देखिए ये इकबाल अंसारी साहब है, मैं इनसे बस एक क्वेश्चन ये है, अभी ये कह रहे थे ये इनकी सरकार है, मैं पूछता हूँ इनकी कौन सी सरकार है, ये भारत के नागरिक नहीं है क्या, ये पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे इनकी कौन सरकार है, ये सरकार इनकी नहीं है, ये भारत के नहीं है क्या, अगर पाकिस्तान के हो तो बताओ ये सरकार, राम जी गुप्ता प्रभारी राम जन्मभूमि, और उस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि का मंदिर था और रहेगा, आगे बनेगा, हम लोग इसको बनाएंगे, और ऑपरेशन जन्मभूमि मेरे नेतृत्व में हुआ है, लक्ष्मण सेना के नेतृत्व में, बीप ने जो आंदोलन किया था, बीप ने जो आंदोलन किया था, और 3-4 लाख लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, आज कोई ये नहीं बता सकते हैं, और कुरान हाथ में लेकर के ये बतावें कि अगर 4 लाख हिंदू यहाँ कार सेवक इकट्ठा हुआ था और किसी मुसलमान का नुकसान हुआ तो बताओ, ये किसी और जाहिर सी बात है, और लेकिन एक और चीज की एक और सवाल भी तो आज उठा ना, जब दोपहर को भी हम चर्चा कर रहे थे, वो ये सवाल भी ये उठा कि किस तरीके से क्या चीजों को आगे रख करके टाइम सिर्फ बाय करने की कोशिश की जा रही है, यहां से तो देखा जा रहा था, और कोर्ट ने इसको सख्त तरीके से लहजे में कहा कि 2019 के चुनाव को जोड़ करके क्यों देखते हैं, तो न्यायालय का मामला है, ऐसा है कि भगवान की नगरी में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की जनमानस और यहाँ के हिंदू और हिंदुस्तान के हिंदू क्या चाहते हैं, ये लोग ऐसे किराए के टट्टू हैं कि जो अभी तक अपनी ढाबली मुर्गी की ढाबली समझ रहे थे, इनके ऊपर मैं बताना चाहता हूं, इनके ऊपर तो सीबीआई जांच लगनी चाहिए, अगर ये इनके वालिद बाबरी मस्जिद की दुकान लगाए थे तो इन्होंने एक नई दुकान भी खोल ली है जिसका किराया केवल 500 रुपए मिलता है, और जिलानी साहब का जो है 5 लाख रुपए पर डे का उनका है, ये कहां से किसके द्वारा लाते हैं और उनके पास कहां से पहुंचाते हैं, ये पाकिस्तान पूछेंगे, पूछेंगे कि आतंकवादी पूछेंगे 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 पूछेंगे, आप बताइए यहां पे माननीय बबलू खान जी जैसे ये करते हैं, आगे संघर्ष कर रहे हैं सालों से, ऐसे आगे बढ़ के और सारे लोगों को आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़े, कोर्ट ने हमको न्यायालय ने फैसला दिया था, पब्लिक में जाइए, आज का युग इकबाल अंसारी तो उस मन से बता दे रहे हैं कि वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो जानते होंगे इस चीज के बारे में ज्यादा कि मुसलमान नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं, या तो वो मुसलमान नहीं है इस बात को कहते हैं इस मारे, और आज बैठिए बैठिए बैठिए, मैं कुछ बोल, इकबाल अंसारी साहब पूछ रहे हैं, बबलू खान जी से पूछ रहे हैं कि वो सच्चे मुसलमान है कि नहीं है, अरब में जब तेल क्रांति के बाद विकास हुआ तो हजारों मस्जिदें स्थानांतरित की गई, इनके हदीस में लिखा हुआ है जो जमीन विवादित है उस पर नमाज नहीं पढ़ा जा सकता, ये न कुरान को मानते हैं न हदीस को मानते हैं न अपने आका अरब को मानते हैं, तो बबलू खान से इन्होंने कैसे पूछा कौन सच्चा मुसलमान है, ये बताएं ये किसको मानते हैं, अब फरवरी में जब दोबारा सुनवाई शुरू होगी तब कोई बहानेबाजी सुनी नहीं जाएगी, अब कितनी उम्मीद है, कितनी अब आपको जो बहाना लगाना था या जो आर्ग्यूमेंट देना था वो दे दिया,
अब कोर्ट से हो जाएगा राम लला का वनवास खत्म? देखिए ऐसा है, जितनी भी सरकार और ये जो पक्षकार हैं, जिसमें जो मुस्लिम पक्षकार हैं, ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये जितने भी हैं, जा पर कृपा राम पर होई, ता पर कृपा करें सब कोई, ये अपने को फेमस करने के लिए राम मुद्दे से जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे वो पार्टी हो और चाहे वो कोई व्यक्तिगत मुद्दा हो, ये सारे के सारे अपने को फेमस करने के लिए जुड़े रहते हैं। जब तक इसमें सरकार जब तक मुख्य भूमिका में नहीं आती है, जिस प्रकार से मैंने पिछली बार भी कहा था कि नोटबंदी और जीएसटी के तरह ये इसका भी सरकार को कैबिनेट से फैसला करके और इसको भी ये सवाल मैं मंच तक लेकर के जाऊंगा। एक दो बाइट्स और फिर उसके बाद मैं दोबारा मंच का रुख करूंगा। संक्षिप्त में, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, चाहे कपिल सिब्बल है चाहे इकबाल जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भरत वंश की माटी का क्या इनको पहचान नहीं है? राम कौन है, कृष्ण कौन, क्या इनको इतना ज्ञान नहीं? अरे रहो होश में, वरना हम तेरा इतिहास बना देंगे और भारत के कण-कण से तेरा नाम निशान मिटा देंगे। ठीक है जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा इनका। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इतना राम मंदिर के लिए विवाद चल रहा है, क्या यही चीज पाकिस्तान में सेम होती मस्जिद के लिए, तो क्या ये इतना विवाद चलता होता कि अब तक वहाँ मस्जिद बन चुकी होती? जाहिर सी बात है, मैं ऊपर जाना जल्दी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा जब हाई कोर्ट आदेश दे चुका है तो क्या सुप्रीम कोर्ट चीना चीर के दिखा देगा इनको, तब ये विश्वास करेंगे? तो यहीं से पुजारी जी, यहीं से उस आर्गुमेंट की शुरुआत करते ना जिससे लोग भी कह रहे थे कि ठीक है कोर्ट में पूरा विश्वास है, कोर्ट में बहस चलेगी, लेकिन क्या भरोसा क्या उसके बाद भी कोई सहमति बन जाएगी, मान लेंगे? क्योंकि सहमति के लिए तो फॉर्मूले पेश ही किए गए हैं, यहां पर तो शिया वक्फ बोर्ड पहुंचा ही समझौते को लेकर के, लेकिन क्या मान लिया गया? नहीं मान लिया गया तो फिर एक क्या कानूनी रास्ता भी तो बचता है, जिसका जिक्र पहले भी हो रहा था सोमनाथ के तर्ज पर? देखिए कानूनी रास्ता एक तो कोर्ट का है, दूसरे लोकसभा में कानून बनाने का है। मैं कहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह में ये कहा था कि जिस प्रकार से 3 तलाक के लिए आपने मुझसे कहा है, मैं कहता हूं कि ये इन्होंने केंद्र सरकार से कह दिया कि 3 तलाक के विषय में आप कानून बनाओ। जब 3 तलाक के विषय में कानून बन सकता है तो राम जन्मभूमि निर्माण के लिए कानून क्यों नहीं बन सकता? केंद्र सरकार इसका कानून बनावे और कानून बना करके मंदिर का निर्माण करावे, क्योंकि जो कोर्ट है यहाँ अनेक प्रकार के दलील दिए जाएंगे, अनेक प्रकार के परेशानियाँ किया जाएगी, जिससे कोर्ट के मजबूर होकर के उसको तारीख पर तारीख देना पड़ेगा। इसलिए एक ही उपाय है कि केंद्र सरकार कानून बना करके राम मंदिर का निर्माण करे। इकबाल अंसारी, क्या ये माना जाए जब फरवरी में दोबारा सुनवाई शुरू होगी तब कोई इसी तरीके की दलील कपिल सिब्बल द्वारा, आपके वकील द्वारा ये नहीं दी जाएगी कि भैया अभी और वक्त दे दो, या 2019 में चुनाव है या इससे पहले कुछ और है, क्या तब ये दलील दी जाएगी जल्द से जल्द निपटारा कर दो? और अगर जिस भी पक्ष में वो होता है उसे आप मान लेंगे जिसके आप जिक्र करते हैं? कानून जो है वो किसी की बात नहीं सुनता, कोर्ट किसी की बात नहीं सुनता, कोर्ट अपनी बात करता है। जब कोर्ट को चाहे जो है फैसला करना होगा तो वो कर देगा, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, सरकार आपकी भी है। कोर्ट ने तो, हाई कोर्ट ने भी फैसला किया था, क्या माना आपने? क्यों नहीं किया? तो हाई कोर्ट ने भी किया था, क्या माना आपने? आपने कहा कि कोर्ट फैसला कर देगा, फैसला तो हाई कोर्ट ने भी किया था, आपने नहीं माना? भाई कर दिया होता, ऊपर से तो नीचे तक के जो है भगवा सरकार है, क्यों नहीं कर दिया? हमारे ऊपर तो जो है कोर्ट में करना, सरकारें चलती हैं, आप इलेक्शन का हवाला दे रहे हैं, आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, कोर्ट तो अपने हिसाब से करेगा, जो कुछ भी करेगा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा पूर्णतः मानना होगा ना आपको? क्यों नहीं सरकार बनाती दबाव? सरकार दबाव क्यों नहीं बनाती? सरकार बनावे दबाव तो कानून बना ले, तब आप तब मान्य होगा। जो कानून बनाना चाहे बनावे, हम उसको बना करते हैं कि हमारे बस में है। नहीं तो कानून अगर बन जाए, अगर कोई अध्यादेश ला करके इसे पारित किया जाता है, तब आप क्या साथ होंगे? तब इकबाल अंसारी साथ होगा क्या? कोई दबाव नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, कुछ जो है किसी का कोई दबाव नहीं है, कोर्ट अपनी अपना काम करती है। मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ, आपने कहा ना कि कानून लाना हो तो सरकार लाए, क्या कानून अगर सरकार लावे हमसे क्या मतलब है? नहीं तो आप सपोर्ट करेंगे, आप साथ होंगे क्या उसका? कि जो है कोर्ट कोई काम करती है हमसे पूछे करती है? नहीं कोर्ट नहीं, हम सरकार की बात, आप खुद कह रहे हैं, अब आप बताइए ना, बात तो वही है ना, कोर्ट में कुछ और बात होती है। इकबाल अंसारी वैसे कह देते हैं कि देखिए दर दर कोर्ट घूम रहा हूँ, वैसे एफिडेविट देना पड़ता है। ठीक है अवधेश जी, आपको क्या लगता है जिस एक कानूनी इन्होंने एक रास्ता बताया कि सुनवाई लंबी और दूसरे तरीके से और दूसरे फॉर्मूले भी दिए जा रहे हैं, फिर किस चीज की देरी? फॉर्मूले जो दिए जाते हैं सब राजनीति के चलते दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में ये अब बहुत इसका टाल मटोल नहीं होने वाला है,
माननीय उच्च न्यायालय में भी सुलह समझौते के 2-3 बार प्रयास हुए थे, चाहे नरसिंह राव जी की सरकार रही हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी की सरकार रही हो। कई बार जब सुलह समझौते के प्रयास हुए तो मुस्लिम पक्ष ही उससे पीछे हटा और ये रिकॉर्डेड है। अब चूंकि फैसला अंतिम चरण में है और डे बाय डे हेयरिंग शुरू होने वाली है, एक बार इनको समय मिल गया है, वो भी जो सिया वक्फ बोर्ड ने अपना एक हलफनामा दाखिल किया था उस पर कुछ लोगों को जवाब देने लेकिन के लिए पहले इसमें डाला तो ये गया था ना कि 2019 तक का वक्त दे दीजिए। इकबाल सारी ये इसलिए डाला गया था क्या 2019 में आपको यकीन था कि 2019 में फिर चुनाव होगा, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और मस्जिद बनाने में मदद कर देगी क्या? चुनाव से और इस फैसले का कोई संबंध नहीं है। नहीं इकबाल अंसारी, चुनाव से इस फैसले 2019 तक का वक्त जो मांगा गया था कि चुनाव है तब क्या यकीन क्या था कि सरकार बदल जाएगी? तब अभी चुनाव जो है कि तारीख रखी नहीं गई, ये चुनाव की बात कहां से आ गई? कोई तर्क तो दिया होगा, वो जो तर्क 2019 भैया आपके वकील हैं, 2019 में जब चुनावों का हवाला दिया गया कि पार्टी के घोषणा पत्र में बीजेपी के, तो आपको क्या यकीन था कि सरकार बदल जाएगी? नहीं, आपको क्या लग रहा था सरकार बदल जाएगी इसलिए 2019 तक कहा कि इसे टाल दे? सरकार बदलना ये अभी बहुत दिन बाकी है, जब सरकार बदलेगी तो देखा जाएगा। तो यानी कि आपको लग रहा है सरकार बदलेगी तो फिर मस्जिद में मदद हो जाएगी? मदद हो जाएगी, हमारे पास सबूत है, ये भी है, हमारे पास सबूत है। तो यानी यही लग रहा था ना आपको? जी बबलू खान, इनके पास सबूत है, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास सब कुछ है लेकिन कुछ दिखता नहीं है, बस खाली इनके दो लोगों के पास है। वो सबूत हमारा कोई मुसलमान नहीं दिख रहा है, जो यहाँ लोकल मुसलमान है उसको ये सबूत दिखाना नहीं चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इनको, इतना अच्छा मौका इन लोगों ने गंवाया है। हम तो बहुत खुश थे कि चलिए आज आपसी सहमति बनाते हुए श्री राम मंदिर का निर्माण होगा और हमारे देश का निर्माण होगा, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। और ये देखते हुए हमारे राष्ट्र में एकता का तो संदेश जाता ही जाता, लेकिन इसको ये संदेश पूरी दुनिया में जाती है। लेकिन ऐसे घोर भारत विरोधी लोग की वजह से हम लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, ठीक है मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, अच्छा ठीक है, हम बताना चाहते हैं। और आज जब इन लोग नहीं राजी हुए तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम ये चारों धर्म के लोग अयोध्या के धरती पे, हम बताना चाहते हैं। सारी तो सुबह से कह ही देते थक गए हम कोर्ट जाकर के, लेकिन कोर्ट में जाकर के कहते 2019 तक टाल दो, वो ठीक है, वो सब नजर आ रहा है लोगों को, क्या दिख रहा है? अशोक चंद्रमी जी 20 सेकंड में, आपके पास आ नहीं पाया था 20 सेकंड में, मैं चाहूंगा कि जिस आपने वाक्य से शुरू किया था वो तरन्नुम के साथ शुरू कीजिए, फिर मैं लोगों के बीच जाऊंगा। ये जो है किराए की टोपी लगा के चले आते हैं इनको, नहीं ठीक है ठीक है, भागे हैं पीछे से। बोलिए अशोक जी, बोलिए, कल ये पीछे से भागे, सुनिए अशोक जी, सुन लीजिए, उन तक हम नहीं गए, लोग देख रहे थे कि ये जो है जिस तरीके से इकबाल अंसारी यानी कि टीवी पर आने के लिए बातें कुछ और होती हैं, कोर्ट में देने के लिए बातें कुछ और होती हैं, वो देख लिया। एक सेकंड ऐसे लोग राजनीति में आते हैं, हम बोलिए नहीं करते। इकबाल अंसारी ये अभी कल ही इकबाल अंसारी को देख लिया, 24 घंटा बोलिए हमारे देश में रहेंगे, इनके जैसे गद्दार लोग हमारे देश में रहेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे से हम बताना चाहते हैं, गद्दार लोग हमारे देश में रहेंगे, कहीं ना कहीं इनके जैसे तमाम खुराफाती जब इकट्ठा होंगे, इनके जैसे जब तमाम खुराफाती इकट्ठा होंगे तो हम लोगों को पीछे भागना पड़ेगा। हम कहते हैं रुके, जैसे गद्दार लोगों को अपने देश से देना चाहिए, यहाँ से बाहर से आवाज नहीं जाएगी, आवाज नहीं जाएगी, ऐसे लोगों को आवाज नहीं जाएगी, देना चाहिए। आ रहा हूँ एक सेकंड धीरे, और पर्सनल अटैक नहीं लेकिन इसी से जुड़ा सवाल जरूर पूछ सकते हैं, बोलिए। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, डिबेट में है भारत की जनता तो राम मंदिर चाह ही रही है, बहुत देर से डिबेट में सुन रहे हैं, अंसारी जी का एक वक्तव्य बार बार आ रहा है, मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो 125 करोड़ की बात करता है, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं तो प्रदेश सरकार की बात बोलते हैं, आप ये हम लोगों को बता दीजिए, जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार कौन सी है, आप भारत के हैं भी कि नहीं है। दूसरी बात, हाँ बोलिए। मैं हिंदू महासभा से, और हिंदू महासभा 1949 से राम मंदिर का केस लड़ रही है, आप सब जानते हैं, और इसीलिए लड़ रही है कि यहाँ पर कोई सुलह समझौता या मध्यस्थता की बातें ना हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए याचिका हम लोगों ने दाखिल की, लेकिन यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहूँगा
कि जो भी साक्ष्य हैं, जो भी सबूत हैं, उसके आधार पर वो फैसला करे, ना कि पक्षकारों की, क्योंकि पक्षकार ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर इस देश का बहुसंख्यक हिंदू को न्याय नहीं मिला, उसको उसका अधिकार नहीं मिला, तो वो यहाँ पर जबरदस्ती राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, जैसे हम लोगों ने, जैसे एक मिनट, जैसे हम लोगों ने उस बाबरी नाम के कलंक को ध्वस्त किया था, वैसे ही उसका मंदिर का निर्माण। बैठिए बैठिए, क्योंकि अयोध्या नगरी है, बहुत से लोग बाहर से भी आए होते हैं, मैं उस तरफ आऊंगा, अब तक नहीं आया हूँ, वो कुछ लोग बाहर से आए हैं, आप आइए, आप इधर आइए, क्योंकि आप बाहर खड़े हैं। हाँ बोलिए। हम लोग आसनसोल से आए हैं, बराकर आसनसोल में पड़ता है, वहाँ से हम लोग इस उम्मीद लेकर आते हैं कि ये जो राम जी जो थे, इनका विश्व में इनको आचरण को सब कोई मानता है और हम लोग भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं मानता है, जो दोगला मुस्लिम है वही नहीं मानता है, बाद बाकी जो ओरिजिनल मुस्लिम है वो मानता है, ये जो बोल रहे हैं भाई साहब को ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, ये कौन सा मुसलमान है, ये रोहिंग्या मुसलमान है, हम आज बोल रहे हैं, और हम लोग का मंदिर। ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह बात है कुछ लोगों की तरफ, धीरे धीरे, अगर एक एक कर, एक एक करके अगर आपके पास आऊंगा तो मैं सबसे बात कर पाऊंगा, बैठे रहिए, सब इकट्ठे खड़े मत होइए, बोलिए। देखिए, कोर्ट के आदेश का तो हम सभी लोग सम्मान करेंगे ही, लेकिन 135 साल से कोर्ट के आदेश का इंतजार ये हमारा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, अब यह बर्दाश्त नहीं है, कोर्ट भी जानती है असलियत को, इसलिए कोर्ट को तुरंत निर्णय देना चाहिए कि श्री राम जन्म का भव्य निर्माण हो। बोलिए। मैं आज के संदर्भ में केवल दो बात कहना चाहूंगा, जिसको न्याय का पवित्र मंदिर कहा जाता है, उस न्याय के देवताओं को ये बात सोचने पर थोड़ा सा बाध्य होना चाहिए कि हिंदू समाज के लोगों ने, पक्षकारों ने बार बार उनसे ये आग्रह किया है, और कोर्ट के न्याय के जो मंदिर के देवता हैं उन्होंने भी माना है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे रामचंद्र परमहंस जी ने ये कहा था कि मैंने जब मुकदमा दायर किया था तो 40 साल का था, आज 80 साल की औसत आयु होती है और मैं मरने वाला हूँ, इसके बाद अगर न्याय हुआ भी तो वो अन्याय के बराबर है, इसलिए मैं सबसे पहले उन न्याय के मंदिर के जो देवता हैं उनसे कहूँगा कि वो अपने देवत्व का परिचय देते हुए इन लटकबाजों को आज तक मुस्लिम पक्षकार के किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि इस मामले की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा ना, सुबह रोज रात आते मेरे वालिद भी थक गए थे, मैं भी थक गया हूँ, जल्द हो, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो हलफनामा दे दिया 2019 तक। कहते सुना जाए, इनके वालिद की असलियत ये रही है कि जब तक ढांचा नहीं टूटा था तब तक बीड़ी पीते थे, और 92 में ढांचा टूट गया तो सिगरेट पे आ गए। पर्सनल नहीं, बैठे बैठे आपके सामने, मैंने मान जी के पास जाना है, खड़े हुए। हाँ बोलिए, कोई नहीं, बैठिए बैठ के, आप बैठ के। देखिए, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऑथराइज पैरवीकार हूँ, और यही कार्ड आपको इकबाल के पास भी है, प्रत्येक जो है दूसरे संडे के वहाँ मीटिंग होती है कि जो कुछ अंदर निकला है वो सुरक्षित है, या हम लोग साइन करते हैं, पर्यवेक्षक है, होते हैं। पहले आप उससे पूछिए कि 145 अयोध्या के मुसलमानों ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि यह मंदिर अब हमारा, मस्जिद हमारा अब नहीं रहा, इसको मंदिर बना दिया जाए, वो नॉलेज में है कि नहीं है 145 मुसलमान। बाबर एक्शन कमेटी बना था, मस्जिद टूटा, वो भंग हो गया, जब हमारा उद्देश्य समाप्त हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसके पिताजी हमारे बड़े अच्छे मित्र, ये भी हमारा आज जो भी है, अगर कुछ 6 दिसंबर इतने अच्छे मित्र थे तो फिर माने क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं कोई फार्मूला जब उतना। हम आपको बता रहे हैं, ये इनके पिताजी बिल्कुल मानने के लिए तैयार थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन अचानक आजम खां और लोगों ने उनको बैठ कर करके बंद कमरे में और उनको, यानी कि राजनीति बहुत होती रही। मैं आपके पास आया था जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल ने समय क्यों लिया, इसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। इन कांग्रेसियों के राज्य में जैसे कांग्रेस सत्ता में आई, सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरकारी खर्चे पर व्यवस्थापूर्वक हुआ, और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मथुरा, काशी और अयोध्या रहने दीजिए, हमारे क्षेत्र का है, तो जब तक एक एक कांग्रेसी नहीं समाप्त हो जाएगा वहाँ लोकसभा से, तब तक ये निर्णय नहीं आ सकता है, उनके खिलाफ करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, कुछ युवा लोग, मैं आपके पास आया था, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी, बोलिए। मैं इकबाल अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि इनको असली मुस्लिम
की डिटेल दें, बताएं कि हम असली मुस्लिम क्या होता, क्या आप असली मुस्लिम, आपकी हर रोजी रोटी राम मंदिर से चल रही है। ठीक है ठीक है। आज कांग्रेसियों का पर्दाफाश हुआ है, उनकी संकीर्ण मानसिकता या दृष्टि गोचरित हुई है। वो हमेशा हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लंबित करना चाहती है। आज पूरे देश के सामने वो बेइज्जत हो चुके हैं और इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आज उनके द्वारा ही इस राम मंदिर मसले को आगे खींचा जा रहा है। सर माननीय इकबाल अंसारी जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है कोर्ट के बाहर सुलझा लिया जाना चाहिए, उसके बाद ये भी लगातार कह रहे हैं कि मैं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गया हूँ, उसके बाद भी ये लगातार क्यों समय मांग रहे हैं 2019। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज मेरे पास वक्त इतना ही है, आज मेरे पास वक्त इतना ही है। हमारा सवाल आज यही था कि क्या कोर्ट से होगा इस सबसे बड़े फैसले का निपटारा, क्या रामलला का वनवास कोर्ट से खत्म होगा। फिलहाल तो यह बहस फरवरी तक पहुंच गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इसे बढ़ाया जाना चाहिए और लटकाया नहीं जाना चाहिए। अयोध्या से ताल ठोक के एडिशन के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे मेहमानों का।